नमस्ते। अब हम सीखेंगे कि हम ये जो कैटेगरीज बनाते हैं, जैसे बैच में ऐड करते हैं, उन कैटेगरीज को हमें कहीं ना कहीं मैप करना जरूरी है। तो उस कैटेगरीज का मैपिंग हम किस बेस पे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको फीस मैनेजमेंट में आना है, या फिर डायरेक्टली आप फाइनेंस में जा सकते हैं। पर फीस मैनेजमेंट में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, फी कैटेगरी मैपिंग। तो आप उसमें चले जाइए। फी कैटेगरी मैपिंग के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे दिखाएगा कैसी कौन सी कैटेगरीज है जो मैप नहीं की हुई है। अनमैप कैटेगरीज अलग से दिखाएंगी, मैप की हुई कैटेगरीज अलग से दिखाएंगी। तो आप ये कर सकते हैं, आप सीधा उस कैटेगरी पर क्लिक कीजिए और उसे ऐड कीजिए, या फिर सीधा आप यहाँ पे एडिट में जाओगे तो वो सीधा आपको फी कैटेगरी के मैपिंग पे लेके जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करके उसको मैप कर सकते हो और आपकी जो कैटेगरी है वो पर्टिकुलर जो कंपनी है उसके साथ मैप हो जाएगी। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर कोई कैटेगरीज को अलग कंपनीज में मैप किया गया है तो अलग अलग कंपनीज में मैप किया गया है तो वो रेड कलर में दिखाएगी, लेकिन अगर सारी कैटेगरीज एक ही जगह पे सिंगल कंपनी में मैप की गई है तो उस केस में वो ब्लू कलर में दिखाती है। इनको मैप करने का एक और तरीका है, आप सीधा ही चले जाओ फाइनेंस मैनेजमेंट में, और फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर जाके आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। आपको जाना है कंपनी मैनेजमेंट में। कंपनी मैनेजमेंट के अंदर आपको जो भी आपने कंपनी बनाई है उस कंपनी पर क्लिक करना है। वहां पे आपका इंस्टीट्यूट का नाम दिखाई देगा नीचे, यहाँ पे जैसे है उस तरह से आप उस नाम पर क्लिक करो। यहाँ आपको पूरी लिस्ट मिलेगी कैटेगरीज की। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी कैटेगरी मैप करनी बाकी हो उसको ऐसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, या फिर इस कैटेगरी में सिर्फ कुछ ही डिपार्टमेंट्स आपको मेंशन करने तो वो आप कर दीजिए। यहाँ पे सिलेक्शन लेकर लिंक कैटेगरीज कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आपकी कैटेगरी जो है वो पर्टिकुलर कंपनी के साथ मैप हो जाएगी। तो जब आप फीस कलेक्ट करोगे दैट मीन्स इस कैटेगरी की फीस को इस कंपनी में आना है। इस तरह से आपने कैटेगरीज को मैप कर दिया। मान लीजिए मुझे यहाँ पे ऐड करनी है कोई और कैटेगरी, मैं ऐड मोर इंस्टीट्यूट में जाके इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर सकती हूँ। और इंस्टीट्यूट को ऐड करने के बाद यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, दो अलग कंपनी के साथ मेरी कैटेगरीज को मैप कर रही हूँ। जैसे कि अगर 10 कैटेगरीज है तो 10 कैटेगरीज में से 4 कैटेगरीज में चाहती हूँ कि इस कंपनी में मैप हो, तो मैं यहाँ जाके सिलेक्ट ऑल करके इन 4 कैटेगरीज को मैंने इस कंपनी में जाके मैप कर दिया। तो पुरानी कंपनी से मैपिंग हट जाएगा और मेरा इस कंपनी में मैपिंग ऐड हो जाएगा। इस तरह से मैं अपनी जो कैटेगरीज है उसको मैप कर सकती हूँ। और एक बार उसको ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ कैटेगरी मैपिंग कुछ इस तरह से दिखेगा, जिस पर से आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी में कितनी कैटेगरीज मैप की गई है। ऐसा कभी होता है कि एक ही ट्यूशन फीस की कैटेगरी है उसको दो अलग कंपनी के साथ अगर आप मैंने ज्वाइन किया हुआ है तो उस केस में यहाँ पे रेड कलर दिखाएगा, अदरवाइज इट इज ब्लू कलर फॉर जो कैटेगरी सिंगल कंपनी में मैप की गई है। तो इस तरह से आप ये मैपिंग कर सकते हैं। अब साथ में मैं आपको ये बताती हूँ कि हम ट्रांसपोर्टेशन को कैसे लिंक करते हैं स्टूडेंट अकाउंट से। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम जाएंगे, यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको बैचेस अनेबल करनी है, जो बैचेस आप यहाँ पे यूज करने वाले हो क्रिएट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, या जिसमें ट्रांसपोर्टेशन अनेबल करने वाले हैं। सेव बैचेस आपने कर दी। सेव बैचेस करने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है ऐड न्यू वे पॉइंट, तो आप उसको रूट वाइज बना सकते हो, आप उसको वे पॉइंट वाइज या स्टॉपेज वाइज बना सकते हो। तो मैंने यहाँ जाके ऐड न्यू वे पॉइंट कर दिया, और ऐड न्यू वे पॉइंट करने के बाद मैं यहाँ फी स्ट्राइकल स्ट्रक्चर यानी कि मैं नाम दे रही हूँ मेरा कौन सा वे पॉइंट है। तो मान लीजिए अगर मेरा वे पॉइंट है मेरा रोड टू महेंद्र, तो मैंने यहाँ पे जाके फी स्ट्राइकल स्ट्रक्चर में मेरा रोड फाइंडर नाम मेरे स्ट्रक्चर का दे दिया यानी कि मेरे वे पॉइंट का नाम दे दिया। यहाँ पे जाके मैं साइकिल डेट ऐड करती हूँ, तो मुझे साइकिल डेट चाहिए 1 अक्टूबर, दूसरी साइकिल डेट मुझे चाहिए 1 दिसंबर। तो मैंने दो साइकिल डेट डिफाइन कर दी, मैंने यहाँ पे लेबल्स डिफाइन कर दिए और मैं अमाउंट डाल रही हूँ
और जाके मैंने ऐड न्यू वे पॉइंट कर दिया। सो ये मेरा वे पॉइंट यानी कि ये मेरा एक स्टॉपेज या एक वे पॉइंट ऐसा बन गया कि इसके अंदर इतनी चार्जेस है। आप उस वे पॉइंट में जाके आप इम्पोर्ट स्टूडेंट्स कर सकते हो। सो इम्पोर्ट स्टूडेंट्स के अंदर आपको सभी क्लासेस दिखाएंगे जिसमें से आप क्लास में से चूज करके गेट स्टूडेंट्स कीजिए और उनमें से आप कोई भी दो या तीन स्टूडेंट्स हैं उनको चूज करके एड सिलेक्टेड टू द पर्टिकुलर वे पॉइंट कर सकते हो और उन स्टूडेंट्स के अकाउंट में ये जो भी हमने फीस डाली है ट्रांसपोर्टेशन में वो ट्रांसपोर्टेशन की फीस ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे आपको अकाउंट भी दिखाएगा कितने स्टूडेंट्स एडेड है। आप इस पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करते ही आपको वो स्टूडेंट्स का नाम और डिटेल्स दिखाएगा। अगर आपको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। इनके अकाउंट में फीस जो हमने ऐड की है ट्रांसपोर्टेशन की वो भी दिखना शुरू हो जाएगी। Thank you.